अब आ रहा है ऑडियो मेरा? हाँ मुझे भी आ रही है। तो VBA के जरिए हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं, उसके बाद सब ब्लॉक करते हैं यूजर फॉर्म। यूजर तो VBA मैक्रो के जरिए हम तीन चीज़ें करते हैं, एक तो हमारा करते हैं मैक्रोस, उसके बाद फंक्शंस, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसमें जो करते हैं वो करते हैं हमारा यूजर फॉर्म। अरे ये होता है क्या है इसके बारे में मैं अभी 2 मिनट बताता हूँ। अब मैक्रो क्या होता है उसके बारे में जानिए। मैक्रो का अगर हम कंपेयरिंग करें तो मैक्रो जस्ट लाइक ऑटो पायलट। जैसे ऑटो पायलट को आप एक मतलब एक ओरिजिन डेस्टिनेशन से एक पाथ पे सेट कर दिया जाता है तो उसी पाथ पे वो प्लेन को फ्लाई करते हैं, उसी तरीके से जब हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो एक पाथ सेट कर दिया जाता है कि आपको फलाने शीट पे जाना है, फलाने डेटा को कॉपी करना है। क्या हुआ सर? वो हट गया। हेलो सर क्या हुआ? दोबारा ज्वाइन कर लिए, मेल पे भेजा है ना आपको, आईडी होगा 90 सीट का आईडी होगा, देखिए ठीक। तो जैसे कि एक मान लीजिए कि एक जब हम ये करते हैं, जब जो हम जब प्रोग्रामिंग क्रिएट करते हैं, जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, तो प्रोग्राम बनाते समय क्या होता है कि डिफरेंट हमारे स्टेप्स होते हैं। जैसे कोई भी अगर हमने मान लीजिए एग्जांपल कि हमें इस पर्टिकुलर एरिया को फॉर्मेट करना, तो एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं मैक्रो। हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, कोड भी कर सकते हैं, दोनों सेम होता है। इसको सिलेक्ट किया, नहीं किया, तो हमने ये पाथ दिया कि पहले आपको डेटा को सिलेक्ट करना है, कलर अप्लाई करना है एंड बॉर्डर अप्लाई करना है। इसको मैं रिकॉर्डिंग माइक्रो से दे दिया, वरना इसको कोडिंग के जरिए भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा अटेंड आपके बता रहा हूँ कि तरीका क्या होता है। तो हमने प्रोग्रामिंग के जरिए हमने माइक्रो को क्या बोला कि आपको डी से लेके H15 तक एरिया को सिलेक्ट करना है, उस एरिया को येल्लो कलर से कलर करना है, देन उसे बॉर्डर अप्लाई करना है। तो 3 स्टेप हुआ। तो इसके लिए वन टाइम हमने क्या किया, हमने वन टाइम रिकॉर्डिंग माइक्रो से मैंने किया, वरना हम इसको कोडिंग भी कर सकते हैं। तो बड़ा बन गया, हमको आगे चले कोडिंग बनाना सिखाएंगे आपको। 1 सेकंड सर होल्ड कीजिएगा, आपके एक क्लिक का ओके। तो मैं आपको समझा रहा था कि माइक्रो क्या होता है। बेसिकली माइक्रो क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन हम कोडिंग कर देते हैं, उस पर स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन उस काम को वो कर देता है। जैसे आप मैनुअल काम करते हो उसी तरीके से आपका माइक्रो भी उसी तरीके से मैनुअल ही काम करता है, लेकिन वो आपके काम करने से और खुद जो खुद काम करता है तो उसमें वो तकरीबन 10 गुना स्पीड ज़्यादा रखता है, तो इसलिए हमारा काम जल्दी हो जाता है ऑटोमेशन में। तो ये हमारा मैक्रो का पार्ट है। और नेक्स्ट टाइम कहीं हमें एक सेम काम करना है तो मैक्रो पे जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, अंदर रन मार देंगे, सेम काम चुटकी बजाते आपका हो गया, चाहे वो बड़ा से बड़ा काम क्यों ना हो, मतलब घंटे 2 घंटे काम आप 3 सेकंड में कर सकते हो। उसके लिए मैक्रो यूज करते हैं। फंक्शन मतलब कोई ऐसी कैलकुलेशंस, कोई कुछ ऐसा आप कैलकुलेशन आपके पास है, कुछ ऐसा आप कुछ निकालना चाहते हो जिसके लिए एक्सेल के अंदर फार्मूला बना ही नहीं है, ऐसे चीज़ के लिए आप VBA प्रोग्रामिंग में आप अपने खुद के फॉर्मूले से वी लुक का आप एच लुक का आप एक्सेल वर्कशीट के फॉर्मूले यूज करते हो, तो ऐसे खुद के फॉर्मूले अगर मान लो कि वी लुक में कुछ कमियां हैं या फिर एच लुक में कुछ कमियां हैं या फिर उससे आपका काम नहीं हो रहा है, उसके अलावा कुछ और भी एड ऑन चाहिए, तो इसके लिए आप खुद के फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं। तो खुद के फंक्शन, तो फंक्शन जो होते हैं वो फंक्शंस हम एक्सेल के लिए भी क्रिएट करते हैं और VBA प्रोग्रामिंग के लिए भी क्रिएट करते हैं। VBA प्रोग्रामिंग क्या है, मान लीजिए कि आपने एक बड़ा सा मैक्रो बना टाइप कर रहे हो, तो आपने 100 या 200 लाइन की कोडिंग कर रहे हो, अब ऐसे ही आपको 15-20 मैक्रो आपको क्रिएट करना है।
अब क्या हुआ कि आपकी ऐसी एक कैलकुलेशन है जो कि हर फाइल के अंदर, हर मैक्रो के अंदर आपको करनी पड़ रही है। तो उस मान लो कि 100 लाइन कैलकुलेशन एक है जिसको हर मैक्रो में आपको टाइप करना पड़ता है, तो आप उसके फंक्शन बना दो, उसके अंदर कॉल कर लो। तो उसके लिए फंक्शन, मतलब फंक्शंस क्या होता है कि हम VBA मैक्रो के लिए भी फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं और हम इसके लिए भी एक्सेल लिए कर सकते हैं। अब कैसे करना है मैं आपको आगे क्लास में समझाऊंगा। देन आता है यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म का यूज होता है इंटरफेस, इसको बोलते हैं इंटरफेस के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे कि इंटरफेस मतलब क्या हुआ कि राइट क्लिक करके मान लीजिए मैंने आपको पेस्ट स्पेशल बताया, एक क्या एक इंटरफेस। इस तरह का डायलॉग बॉक्सेस बनाना, क्योंकि जब आप बड़े बड़े मैक्रो बनाओगे तो उसमें दिक्कत हो जाएगा आपको ना, तो वहां पे इसका यूज कर सकते हैं। तो यहां मैक्रो से तीन चीजें क्रिएट करते हैं। हम क्या करते हैं, हम मैक्रो बनाते हैं फॉर द ऑटोमेशन, हम इसको ऑटोमेशन के लिए यूज करते हैं। फंक्शंस के लिए इसको हम कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं, एंड इसको इंटरफेस के लिए यूज करते हैं। तो VBA, अगर VBA से हमें तीन काम करते हैं। तो मैक्रो हम एक तो रिकॉर्ड करके भी बना लेते हैं, रिकॉर्ड पे क्लिक किया वहाँ से रिकॉर्ड कर लिया। एक हम मिनट कॉलिंग भी करते हैं। रिकॉर्ड मैक्रो क्या होता है कि आप एक बार रिकॉर्डिंग पे मैंने लगा दिया, एक बार रिकॉर्डिंग पे आपको मैंने लगा दिया, तो हेलो यहाँ नमस्ते बोलिए।